हम इसके बारे में बहुत सोचते हैं कि हमारे को बर्मा से निकाल दिया, बांग्लादेश है उधर से भी निकाल दिया, अभी इंडिया में आए, इंडिया के लोग भी बोलते हैं तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारे को यहाँ से भगा देंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ। मेरा नाम है कोहिनूर और हम बर्मा के यहाँ पे रहते हैं हम, शरण बिहार। वहाँ पे हमारी ज़िंदगी अच्छा था, मगर वो उधर के हुकूमत ने हमारे को पसंद नहीं किया। हम रोहिंग्या को, हमारे औरतों के ऊपर जुल्म होता था, हमारे पापा के ऊपर काम करवाते, तनख्वाह नहीं देते। उस परेशानी से हम लोग भाग के आ गए। यहाँ पे है 60 फैमिली, ये फैमिली बर्मा से, म्यांमार से। यही है हमारा गुसल खाना जिसमें हम लोग नहाते हैं। इतना मुश्किल से इधर लोग दिखता है। यही है हमारा टॉयलेट, इतना बड़ा। ये हमारा इससे चलाते हैं, इनको लाते हैं बच्चे चुन के ऐसे बोरों में, फिर बेचते हैं इधर दुकान वाले को। बच्चों का आईडी, वो सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म पत्र नहीं है। हमारे बच्चे बीमार होते तो हम हॉस्पिटल लेके जाते, वो एडमिट नहीं करते, नहीं जाते हमारे बच्चे। सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं एडमिट करते। छोटा सा झुग्गी ऐसी तिरपाल डाल के, लकड़ी वकड़ी जंगल से लाके एक स्कूल बनाया छोटा सा, उसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। कोई कबाड़ी चुनने चले जाते या कोई किसी का काम कर लेते, काम करवाने के बाद जो ईमानदार होते वो पैसे दे देते, जो नहीं देते वो तो ऐसे ही आ जाते। हम उनके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकते। हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। इनिशियल वालों ने एक एक कार्ड दिया है, कार्ड से कुछ भी नहीं हो रहा। ये तुम्हारे को सिर्फ इधर रहने के लिए, रहने के लिए सरकार, ये वो सरकार नहीं है, वो एक विकासपुरी वाले ऐसा बोलते हैं, बाकी लोग तो नहीं मानते इस कार्ड को। हमारे को यहाँ के लोग, हर देश के लोग फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे, फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं, ज़मीन इस देश से उस देश तक, उस देश से उस देश तक, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, हमारे को खेल रहे हैं लोग। हमारा भी कोई वजूद है, हम भी ऐसे ही जंगल से नहीं निकले, हमारे को ऊपर वाले ने भेजा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा इधर के लोगों का जो हक है वो हमारे को भी मिले, हमारा कुछ भविष्य हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बने, हमारा भी एक सपना है।